गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आप जिस तरह बहुत अच्छी हूँ बोलते हैं ना, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और सुबह सुबह किस तरह? बस सुबह मार्केट जा रही हूँ। हाँ तो आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नो नो इट्स ओके, थैंक यू। वो अय्यर अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा है, तो ऑन द वे मुझे ड्रॉप कर देगा। आपका अय्यर भाई है कहाँ? हाँ बोलो जनरल, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था बबीता जी से, अय्यर भाई कहाँ है ऐसा? क्यों, एडवेंचर पार्क जाना है? अरे हाँ जेठा जी, मैंने वो टप्पू सेना के एडवेंचर पार्क वाले फोटोग्राफ देखे, बच्चों ने तो बहुत मजा किया है। इनफैक्ट मैं क्या कहती हूँ, हम सबको एक दिन एडवेंचर पार्क जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हम सबको? हाँ हाँ, मुझे तो एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा या? क्यों जडालाल, तुमको अच्छा नहीं लगता? अच्छा, अरे यही सब करके तो मैं बड़ा हुआ हूँ बबीता जी। बचपन में जब मैं छोटा था तो पेड़ पे चढ़ना, डाली पे लटकना, डाली से नीचे हो पानी के होज में धुबाका मारना, यही सब करता था। वाओ, दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। तो पक्का हम सब एडवेंचर पार्क जाएंगे? ओके हाँ हाँ, पक्का जाएंगे। और अय्यर भाई, मैं आपको वहाँ सब सिखाऊंगा, ये सब कैसे करते हैं, पेड़ पे चढ़ना वरना सब सब सिखाऊंगा। टप्पू के पापा, ये लीजिए आपका पर्स, आप घर पे भूल गए थे। चलो मैं निकलता हूँ। अरे जेठा जी, वो दया भाभी का हमारा एडवेंचर पार्क वाला प्लान तो बताते चाहिए। कौन जा रहा है? हम सब जा रहे। हम सब मतलब टप्पू के पापा भी? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा नहीं आएंगे। उनका ऐसा मानना है कि शरीर को उल्टा लटका के, शरीर को खुद का मरवा के या सुरंग में से निकल के कष्ट नहीं देना चाहिए। जडालाल, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे को एडवेंचर दिखाने का बात कर रहा था कि बचपन से ही तुम पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से नीचे कूदना, वो डाली पे लटकना, यही सब करते हुए बड़े हुए हो। क्या? हाँ? तो फिर टप्पू के पापा मुझे क्यों मना कर रहे थे कि भगवान ने इतना कोमल शरीर दिया है तो उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए? दया, मेरी दया बहुत भोली है बबीता जी। दया वो कोमल, मतलब मैं कोमल भाभी और हाथी भाई की बात कर रहा था। क्या? मैं नहीं समझी। समझाता हूँ। क्या है बबीता जी, हम लोग जहाँ भी जाते हैं गोकुलधाम वासी सब साथ में मिलजुल कर जाते हैं ना। हाँ। तभी पार्क में जाएंगे तो वहाँ भी हाथी भाई, कोमल भाभी भी आएंगे साथ में, तो वहाँ क्या है कि हम लोग तो ये सब साहसिक प्रवृत्ति कर लेंगे, लेकिन हाथी भाई कोमल भाभी तो नहीं कर पाएंगे ना, उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं आइडिया से जरा दया को मना कर रहा था ऐसा। अच्छा अच्छा, चल। अरे दया भाभी, थोड़ी देर पहले मैंने और बबीता ने जयडालाल को बोला कि एडवेंचर पार्क जाते हैं, तो तुरंत मान गया। क्या? जयडालाल, उस समय तुमको डॉक्टर आती और कोमल भाभी का ख्याल नहीं आया? ख्याल आया, इसीलिए मान गया। क्या? क्या? मैं नहीं समझी। मैं हूँ ना इधर, इसीलिए खड़ा हूँ समझाने के लिए, समझाता हूँ। क्या है, जब भी इन लोगों ने मुझे पूछा ना कि जाते हैं क्या पार्क में, तभी अचानक से मुझे याद आया वो जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के टाइम पे कैसे वो हाथी भाई का नाम निकला था मटकी फोड़ने के लिए, तो हम सब डर गए थे कि अरे हाथी भाई कैसे मटकी फोड़ पाएंगे, लेकिन हाथी भाई ने मटकी फोड़ के दिखाया। तो वो मुझे ख्याल है कि भाई हम क्यों ऐसे मान के चल रहे हैं कि हाथी भाई कमल भाभी साहसिक प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं मान गया। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। ओके बाय। दया भाभी, हम लोग भी चलते हैं। ओके बाय, सी यू।